नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय लास्ट वीडियो। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होते हैं, टाइप कौन कौन से हैं, कॉजेस क्या क्या हैं, इम्पेयरमेंट्स क्या क्या हैं, और ऐसे बच्चों की हिस्ट्री टेकिंग हम किस तरह से लेते हैं और किस तरह से इनको मैनेज करते हैं। मोस्टली सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में 5 मोटर इम्पेयरमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें कि पुअर हेड एंड नेक कंट्रोल, सेकेंड वन इज ग्रिपिंग प्रॉब्लम, कुछ भी पकड़ने में परेशानी, क्रॉलिंग एक्टिविटी, घुटने के बल से चलने में परेशानी, स्टैंडिंग प्रॉब्लम, सिटिंग प्रॉब्लम एंड गेट ट्रेनिंग, चलने में परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी के मदद से सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे के नेक और हेड मूवमेंट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इनिशियली जब बच्चा बड़ा होता है, व्हेनेवर बेबी स्टार्ट डेवलप होता है, तो सबसे पहला स्किल जो बच्चे के अंदर आता है वो है नेक और हेड कंट्रोल, जो कि शुरुआत के 1 महीने से 3 महीने में जनरली डेवलप हो जाता है। बट इन सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रंस ड्यू टू पुअर नेक कंट्रोल और डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन, बच्चे के नेक की कंट्रोल एक्टिविटी काफी पुअर होती है, जिसके कारण की सर्वाइकल इंजरी हो सकता है या फिर गर्दन में दर्द हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन कौन से 5 स्टेप्स हमें लेने हैं जो कि बच्चे के हेड और नेक कंट्रोल करने में मदद करेंगे, जिसमें है पहला है टमी टाइम प्रोग्राम। टमी टाइम प्रोग्राम मींस बच्चे को पेट के बल से लेटाना। सेकेंड वन इज टेक द बेबी ऑन योर शोल्डर, बच्चे को कंधे पे लेना। थर्ड वन इज टेक द बेबी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मींस पीठ के बल से लेटाना। देन फोर्थ वन इज कि बेबी को किसी भी रोलर कोस्टर या पिलो या सिलेंड्रिकल पिलो पे बिठा के हमें ट्रंक कंट्रोल करना। देन फिफ्थ वन इज कि टेक द बेबी इन अ वेरियस पोजीशनिंग्स, हमें अलग अलग पोजीशन से बेबी को कैरी करना। ये सारी 5 चीजों को फॉलो करके आप काफी हद तक नेक और हेड के कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कि टमी टाइम प्रोग्राम। टमी टाइम प्रोग्राम मींस पेट के बल से लेटाना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेबी विच हैज अ पुअर हेड एंड नेक कंट्रोल। Then see, let's see how it has been done, कैसे हमें करना है। पहला कि बच्चे को हमें पेट के बल से लेटाना है। देन अगर इस पोजिशन में बेबी कंफर्टेबल नहीं है, उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, देन हम इन ऑर्डर टू रेज एंड हेड एंड नेक, तब हमें रेज करना है गर्दन और नेक को, तो हमें इस बेबी को पिलो के ऊपर लेटाना है। इस पोजिशन में बेबी बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। देन हमें क्या करना है, हेड और नेक को रेज करने की कोशिश करनी है। अब हम इन जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई भी ऑडिटरी स्टिमुलस देते हैं, जब भी हम कुछ आवाज करते हैं या फिर कोई खिलौना दिखाते हैं, तो बच्चा उसको देखने के लिए नेक को रेज करता है। बट इन सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड ड्यू टू अ पुअर हेड एंड नेक कंट्रोल, वो अपने हेड को रेज नहीं कर पाता, तो हमें उसे मैनुअली थंब से या अपने फिंगर से सपोर्ट देते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में शोल्डर और हेड को रेज करते हुए बेबी को उस स्टिमुलस को या फिर आवाज वाले खिलौने को, ये या फिर कोई फोन हो सकता है या कोई खिलौना हो सकता है, उसे आपको दिखाना है ताकि वो अपनी नेक को कंट्रोल कर पाए, नेक को हेड को रेज करने में हेल्प। मोस्टली जो टमी टाइम प्रोग्राम में क्या होता है, बेबी की 5 चीजों में इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट वन इज, जब भी हम कोई स्टिमुलस या आवाज वाली खिलौने दिखाते हैं, तो बेबी का कॉग्निशन एक्टिविटी फास्ट होता है, परसेप्शन, डीप परसेप्शन इंक्रीज होता है। सेकेंड, जब उस चीज को बच्चा सुनता है तो हेड को रेज करने की कोशिश करता है। जब बच्चा हेड को रेज करेगा तो नेक की मसल भी स्ट्रेंथन होगी और नेक कंट्रोल मूवमेंट में हो पाएगा। थर्ड वन इज, इसमें अब क्या होता है, जब बच्चा सुनता है, गर्दन को रेज करता है या फिर उस चीज को पकड़ने के लिए बच्चा आगे की ओर क्रॉल करेगा, या क्या हो सकता है, जब बच्चा क्रॉल करेगा तो बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी, एज वेल एज दोनों अपर और लोअर लिम्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा, क्रॉलिंग एक्टिविटी होगी। घुटने के बल से वो उस चीज को कैच करने के लिए, ग्रिप करने के लिए क्रॉल करेगा, तो उससे रोलिंग और सिटिंग एक्टिविटी भी काफी फास्ट हो जाती है। अब क्या है, सपोज जैसे बच्चा लेटा हुआ थे, बैक की मसल तो स्ट्रेंथ हो ही रही है, साथ में बच्चे की पेट के गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज गैस हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन है, वो भी सॉर्ट होता है। तो इस तरह से टमी टाइम प्रोग्राम बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देन सेकेंड वन इज टेक द बेबी ऑन योर शोल्डर। अब हमें क्या करना है, बच्चे को इस तरह से अपने कंधे पे लेना है, ठीक है।
कंधे पे लेना है और हमें उसको कोई भी आवाज से, या फिर उसका नाम हो सकता है या फिर कोई खिलौना हो सकता है, उसको आवाज लगाना है ताकि वो उस स्टिमुलस को देखने के लिए नेक को रोटेट करे साइड वाइज, है ना, राइट लेफ्ट। इससे क्या होता है कि नेक का कंट्रोल मूवमेंट होता है प्लस रोटेटरी मूवमेंट बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाता है। उसके साथ हमें क्या करना है, आप हमें लेफ्ट साइड से स्टिमुलस देना, देन राइट साइड से, फिर बच्चा क्या करेगा, नेक का मूवमेंट लेफ्ट करेगा देन राइट करेगा। दिस वन इज सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, बच्चे को सीधा हमें पेट के बल से लेटाना है, पीठ के बल से लेटाना है, बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए। देन हमें शोल्डर को रेज करते हुए, हाथ को पकड़ते हुए बच्चे को उठाने की कोशिश करनी है। जब हम बच्चे को उठाते हैं साथ में उसको ऑडिटरी स्टिमुलस देते हैं, सेम कोई आवाज है जैसे कुछ बेबी का नाम है तो आप उसको लेते हुए बोल रहे हो, उठा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि बच्चा अपने गर्दन को होल्ड करके रेज करने की कोशिश करेगा, आपकी आवाज को सुन के वो देखने की या फिर चीज को ग्रैब करने की कोशिश करेगा, तो वो नेक को रेज कर रहा है। अगर ये बच्चे में बहुत ही ज्यादा पुअर नेक कंट्रोल है, वो नहीं कर पा रहा है, नेक गिर जा रही है या कंट्रोल बहुत ही वीक है, तो आप उसको फोर्सफुली मत करो। अगर आप फोर्सफुली कर रहे हैं तो हमारा शोल्डर पुल होने की चांसेस हैं, शोल्डर डिसलोकेट होने की चांसेस हैं। तो हमें क्या करना है, ये बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल पोजिशन में होना चाहिए और अपने हाथों को इस तरह से विंग्स की तरह बनाना है। देन हमें शोल्डर पे इस तरह से ग्रिप बनाते हुए गर्दन के ऊपर अपने हाथों को सपोर्ट लगा के, देन हमें सपोर्टिवली बच्चे को हेड को रेज करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि नेक का कंट्रोल मूवमेंट होगा एज वेल एज नेक मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। दिस वन इज थर्ड एक्सरसाइज जिसमें कि बच्चा सीधा लेटा है और हमें हैंड को रेज करते हुए नेक को कंट्रोल करना है। देन फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें एक रोलर कोस्टर पिलो या बॉल, है ना, इस तरह से सिलेंड्रिकल पिलो लेना है, इस पे बेबी को प्लेस करना है। जब आप इस तरह के सिलेंड्रिकल पिलो पे बच्चे को बिठाते हैं तो आपका हेड और नेक कंट्रोल मूवमेंट में हो पाता है, मीन्स ट्रंक की भी कंट्रोल मूवमेंट हो पाती है एज वेल एज नेक की कंट्रोल मूवमेंट होती है। तो इसमें हमें सबसे पहला तीन एक्सरसाइजेस करने हैं। ये डमी है तो ये इफेक्टिवली उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है, बच्चे को आप इस तरह से रोल पिलो के ऊपर बिठाओगे, देन हमें क्या करना है, बच्चे को लाइट सपोर्ट से, अपने हाथ का ऑलवेज नेक के ऊपर सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि बच्चों में नेक का कंट्रोल काफी वीक है, तो कोई इंजरी हो सकती है ना, या पेन हो सकता है, तो हमें लाइट सपोर्ट कोशिश करने देना है कि बच्चा खुद से एक्टिवली अपने आप को पार्टिसिपेट करे। बस आप उसको असिस्ट करोगे, मीन्स थोड़ा सा हेल्प के साथ कराओगे। देन हमें क्या करना है, बच्चे को फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड मूवमेंट में हेल्प करना है, बच्चे को आगे की तरफ लेके जाना है देन पीछे की तरफ लेके जाना है, सेम आगे की तरफ लेके जाना है एंड पीछे की तरफ लेके जाना है। अब क्या करना है, बच्चे को साइडवेज रोटेट करना है, देन लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड। इससे नेक की मसल को भी होल्ड होगा, स्ट्रेंथनिंग होगी, एज वेल एज ट्रंक की, स्पाइन की जो मूवमेंट्स होगी वो भी काफी अच्छा हो पाएगा, तो इससे बच्चा को सिटिंग एक्टिविटी में भी काफी असिस्ट होगा। देन सेम हमें लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड, ये हमारा पहला एक्सरसाइज है। इसमें क्या किया मैंने, पिलो के ऊपर या रोलर कोस्टर के ऊपर हमने सिलेंड्रिकल पिलो के ऊपर बच्चे को कंफर्टेबली बिठाया है। देन फर्स्ट में हमने क्या किया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट किया है, देन सेकेंड में क्या किया हमने, साइडवाइज मूवमेंट किया, तो इससे बच्चे का मूवमेंट कंट्रोल काफी अच्छा हो पाएगा। एंड देन हमें मूवमेंट के साथ आपको कॉग्निशन भी बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टिमुलस देना है, स्टिमुलस देते हुए बच्चे को दिखाना है वो चीजें, आवाज वाली चीजें देनी है ताकि बच्चा अपने गर्दन को उस तरह से उसी डायरेक्शन में रोटेट करे और वो देखे क्या चल रहा है, है ना। सेम अप करना है, देन डाउन करना है, अप करना है एंड डाउन करना है। दीज आर मूवमेंट्स विद स्टिमुलस, हमें किसी भी आवाज वाली चीजें या खिलौने के साथ करानी है। देन सेकेंड वन इज कि हमें क्या, पहले चीज में हमें क्या किया, मूवमेंट्स कराया, सेकेंड में हमें स्टिमुलस के साथ कोई आवाज वाली वाइब्रेंट चीजों के साथ किया। अभी हमें थर्ड में क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, स्ट्रेचिंग इन द सेंस कि बच्चा
कि अब सपोज कि राइट साइड, ये बेबी का राइट साइड है तो राइट साइड मूवमेंट करना है, तो हमें इस तरह से नेक को सपोर्टिवली ग्रिप करना है और रोक के रखना है, मीन्स अपने हाथ से असिस्ट करना है, रोकना है ताकि बच्चा गर्दन इधर की तरफ ना घुमा सके। देन हमें उसके सेम साइड हमें कुछ आवाज वाली चीजें उसको दिखानी है ताकि वो उस चीज को देखने के लिए अपनी नेक को रोटेट करने की कोशिश करे। इससे क्या होगा कि हमारी जो नेक की मसल्स हैं उसमें स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी और बच्चा जल्दी से जल्दी नेक कंट्रोल मूवमेंट कर पाएगा। सेम हमें, अभी मैंने राइट साइड किया है, देन हमें लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट साइड हमें सपोर्टिवली करना है एंड देन उसको असिस्ट करना है। दिस वन इज फोर्थ एक्सरसाइज। अभी फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि बच्चे को हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशनिंग में कैरी करना है। डिफरेंट पोजीशनिंग में कैरी करने से क्या होता है, जैसे कि अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी एलिमिनेटेड, उससे नेक की कंट्रोल मूवमेंट काफी अच्छी हो पाती है। तो हमें क्या करना है, बच्चे को इस तरह से होल्ड करना है। कुछ टाइम के लिए आप बच्चे को इस तरह से होल्ड कर सकते हो। देन सेकेंड वन इज बच्चे को इस तरह से लेना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का बैक का मसल, नेक का मसल एज वेल एज जितने भी स्पाइन के मसल है ना, वो सारे स्ट्रेंथन होंगे। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट काफी अच्छा हो पाएगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो इजिली कर पाएगा। तो दीज आर सम स्टेप्स और पोजिशनिंग एक्सरसाइजेस विच इम्प्रूव योर ट्रंक कंट्रोल एंड नेक कंट्रोल ऑफ योर चाइल्ड। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।